रुको रुको, कार को रुको यार, खुद ही अपनी गाड़ी खराब करवा रहा है। बताओ मेरे पीछे रावण एकदम खल्लास हो चुका है, जान बाकी है। गुड इवनिंग गाइस, आज है दशहरा और इस वक्त मैं हूँ छत पे और आप देख सकते हैं इधर ड्रोनू लटक रहा है। ड्रोनू या सो मैं बताना चाहूँगा, हमारी कॉलोनी का नाम है दशहरा कोठी और वो दशहरा कोठी क्यों पड़ा वो भी आज आपको बताएंगे, क्योंकि हर साल दशहरे के दिन वो वहाँ पर आप देख सकते हैं वो येलो कलर की वो, तो उसका नाम है विजय बाग। तो हर साल दशहरे के दिन पहले जयपुर के किंग है जो यहाँ पर पूजा करने आते थे, एक खेजड़ी का पेड़ है उसकी पूजा करने आते हैं। पहले जयपुर के किंग भवानी सिंह थे, तो उनकी डेथ के बाद में जयपुर घराने के राज परिवार से यानी कि सिटी पैलेस से हर साल यहाँ पर कोई आता है मेंबर और पूजा करता है। और पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी शाम को, यहाँ पर मेला होता उस तरह का कुछ, हाथी घोड़े बहुत सारे द्वारपाल मतलब इस तरीके से आते थे राजा, जैसा अपन मूवीज़ में नहीं देखते उस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे और राजा को देखने भी सारी कॉलोनी वाले लोग आते थे। और सोसाइटी पैलेस से कोई एक मेंबर आता राजघराने का और वो यहाँ पर पूजा करता है। अभी मतलब फॉर्मेलिटीज़ होती है, कुछ हाथी आ जाते हैं, कुछ घोड़े और कुछ ये हॉर्न बजाने वाले, कुछ हाथी आ जाते हैं, कुछ घोड़े आ जाते हैं और थोड़ा अंधेरा हो चुका है, लाइट जा चुकी है। और ये देखिए आप हमारी कॉलोनी दशहरा कोठी, मतलब बहुत चौड़ी रोड है, यहाँ पर कितने सारे पेड़ है, तो ऐसी बात नहीं है, काफी अच्छी काफी खूबसूरत कॉलोनी में रहता हूँ मैं। तो ये तो थी हमारी कॉलोनी दशहरा कोठी की इन्फॉर्मेशन और उसके बाद में फिर हम चलेंगे रावण देखने के लिए, रावण जलता हुआ रावण देखने के लिए। पता नहीं कहाँ जाएंगे लेकिन जो भी होगा एकदम बेस्ट होगा, आपको यहाँ पर बैठे बैठे हम रावण जलता हुआ दिखाएंगे। तो उम्मीद है आपको काफ़ी मज़ा आएगा जलते हुए रावण को देखते हुए, तो व्लॉग में बने रहना। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। तो बहुत देर हो चुकी है, रावण जल नहीं पा रहा, ये लोग पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तो इतनी ज़्यादा बहस चल रही थी, पता नहीं जलेगा भी नहीं जलेगा रावण। तो फाइनली बहसबाजी इनकी ख़त्म हो चुकी है और ये रावण को लेकर आए हैं इधर, ये देख सकते हैं आप सच दज के रावण रेडी हो चुका है और ये इसमें आग लगा दी। There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. बस इतना ही था। पुश पैसा बर्बाद। तो वापस से आग लगाई जा रही है। अरे रुको रुको, कार को रुको यार। अरे उस कार को रुकवाओ। अरे यार। खुद ही अपनी गाड़ी खराब करवा रहा है। बताओ पे। और नीचे फूट जाए तो। They're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn. You got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying. Stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters. So finally, jal chuka, phat chuka, mar chuka, aur ye gir chuka. फाइनली अंतिम संस्कार हो चुका है रावण का, उसके अंदर का कंकाल दिख रहा है। देख सकते हैं अब, हो रहे हो अभी भी देखो, मतलब रस्सी जा गई लेकिन वो बढ़ ले गया धमा दम।
तो जाबजिया पीछे वो जो रावण देख रहे वो एक तो खला और भी तो जान बाकी है साबजी। तो जिसे इतने सालों पहले फोड़ दिया गया, जला दिया गया, उसको भी हर साल जलाया जाता है। और मतलब देख सकते हो कि वो जो भी था इतना भयंकर कलेश था कि मर गया, लेकिन फिर भी अभी तक भी कलेश खत्म नहीं हुआ, हर साल जलाया जाता है। और फाइनली बुराई पर अच्छाई की जीत हो चुकी है। इस बात पे हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और श्री राम जी रावण का वध करके इंडिया में आए थे, तो दिवाली की खुशियां मनाई गई थी। दिवाली का व्लॉग भी आपको बताएंगे, बट उससे पहले बहुत सारा काम करना है। सो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना वीडियो को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय। ये क्या तरीका है, ये कौन सा तरीका है भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, अकड़ गया क्या, क्या हो गया, अकड़ गया क्या, अकड़ गई बॉडी, अकड़ गई क्या। Fucking bite back.